आज मैं लेके आया हूँ मूंग दाल की रेसिपी। इसे ने बनाना तो बहुत आसान है, खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। गर्मी है तो गर्मी में लोग तेल मसाले खाना कम पसंद करते हैं, तो आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है धुली हुई मूंग दाल, यानी कि जो बिना छिलके वाली मूंग दाल होती है वो हमें लेना है। अब हम क्या करेंगे कि इस मूंग दाल को हमें भून लेना है। तो क्वांटिटी जो है, आप एक बार में इस मूंग दाल को भून के रख सकते हैं, क्योंकि ये फिर खराब नहीं होता है। तो आप चाहे तो इसे थोड़ा ही भूने जितना आपको सब्जी बनानी है इसकी, या फिर अगर आप एक बार में ज़्यादा भी भून के रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उस समय आपके लिए आसान हो जाएगा कि जब ये रेसिपी आपको बनानी होगी तो आप फटाफट से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें हल्का सा इसे रोस्ट कर लेना है, जिससे कि इसमें हल्की सी खुशबू अच्छी सी आने लगे, जिससे कि मूंग दाल का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाना चाहिए। गैस को लो टू मीडियम पे ही रखें, नहीं तो ज़्यादा तेज़ आंच पे जो मूंग दाल है वो ऊपर से पक जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इसे भून लेना है जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आए। लगभग 3 से 4 मिनट हो गए मूंग दाल को भूनते, और मूंग दाल जो है वो अच्छे से भून गई है और इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में पलट लेते हैं, जिससे कि मूंग दाल जो है वो ठंडी हो जाए। इस बर्तन में ना छोड़े, नहीं तो मूंग दाल जो है वो और ज़्यादा जल जाएगी। यहाँ पे मैंने बर्तन में पलट लिया, अब इसे ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसकी रेसिपी तैयार करेंगे। अब हम ले लेते हैं आधा कप मूंग दाल और इसे हम इसमें डाल लेंगे। बाकी बचे हुए मूंग दाल को हम किसी कंटेनर में रख के रख लेंगे, तो बहुत टाइम तक जब भी ये रेसिपी बनाने का मन करेगा उस समय हम बना सकते हैं। अब हम इसमें डाल लेंगे 1.5 कप पानी, यानी कि जितना हमने डाल लिया उसका 3 गुना हमें पानी लेना है। साथ ही हम इसमें डाल लेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी और नमक स्वाद अनुसार। अब कुकर का ढक्कन हम लगा लेंगे और इसे 2 सीटी लगने देंगे। 2 सीटी मतलब एक सीटी हाई फ्लेम पे और एक सीटी मीडियम फ्लेम पे, जिससे कि मूंग दाल जो है वो हमारा पक जाए। बहुत ज़्यादा इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 2 सीटी में दाल जो है बहुत ही अच्छे से पक जाता है। तो कुकर का ढक्कन लगा देते हैं और इसे गैस पे चढ़ा देंगे। कुकर को गैस पर चढ़ा दिया, 2 सीटी लग जाएगा, तब हम गैस को बंद कर देंगे और कुकर को खुद ब खुद ठंडा होने देंगे, तो दाल हमारा अच्छे से पका मिलेगा। 2 सीटी लग गए और कुकर अच्छे से ठंडा हो गया। ये देखिए, यहाँ पे आपको दाल दिखा देती हूँ। देखिए, दाल अच्छे से पक गया, इससे ज़्यादा हमें दाल को पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दाल को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे आधा कप गर्म पानी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन उबला हुआ पानी डालें। साथ ही हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच अदरक छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, साथ ही 2 हरी मिर्च कटे हुए, 1 मीडियम साइज का प्याज छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, आधा नींबू का रस। नींबू का रस जो है आप अपने हिसाब से, अगर थोड़ा सा खट्टा आप ये चोखा खाना पसंद करें तो आप इसमें और नींबू का रस डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं पानी डाल दे रही हूँ आधा कप, क्योंकि यहाँ पे मुझे दाल जो है बहुत गाढ़ा लग रहा है, तो हल्का सा पतला बनाना है, जिससे कि हमें रोटी के साथ खाने में इसे आसानी हो। बहुत ज़्यादा पतला दाल की तरह नहीं बनाना है। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। अब लास्ट में हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया, मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मूंग का चोखा बनके तैयार हो गया है। तो आप भी इस मूंग के चोखा को जरूर बनाएं, इस गर्मी बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत जल्दी फटाफट से बनके भी तैयार हो जाएगी। बस 5 मिनट लगेंगे इसको आपको बनाने में, तो आप जरूर ट्राई करें। लास्ट में इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच सरसों का तेल। सरसों का तेल जरूर डालें, इससे टेस्ट अच्छा आने लगता है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आप भी इसे बनाएं और मुझे बताएं कि आपको ये मूंग के चोखा की रेसिपी कैसी